नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में BHEL में कार्यरत कर्मचारियों ने रात दिन अपनी ड्यूटी निभाई है और आम जनता तक ऑक्सीजन पहुंचाया है। इस दौरान कई कर्मचारी संक्रमण भी हो गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। उनके लिए मैं BHEL से मांग करती हूं कि BHEL में कार्यरत कर्मचारियों जिनकी मृत्यु कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हुई है उनके परिवारों को 50 लाख रुपए और आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि COVID-19 महामारी में प्रदेश सरकार द्वारा 3 माह का राशन मुफ्त गरीबों का आयुष्मान कार्ड धारक परिवारों को कोरोना का मुफ्त इलाज की बात सरकार द्वारा कह रही है जो सराहनीय है। कोरोना से मृत्यु होने पर परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण एवं मुफ्त शिक्षा की बात शिवराज सरकार ने की है, लेकिन प्रदेश में इन घोषणाओं का कोई असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। 3 माह का राशन नहीं मिल पा रहा है, वहीं गरीबों को वृद्धा पेंशन की राशि उनके खाते में नहीं पहुंच पा रही है। आयुष्मान कार्ड धारकों को भी संपूर्ण इलाज नहीं मिल सका है, कई परिवार काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अपनी पार्टी का महिमा मंडन करने में भाजपा के विधायक भले ही पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में बहुत सुधार की जरूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले वर्ष शमशान घाट में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 50 लाख की बीमा की घोषणा की थी, जो 1 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी नहीं मिल सकी। ऐसे में इस और ध्यान देना अति आवश्यक है। परिवारों को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे राहत दे सके, इस कठिन काल में हमारी कोशिश ये रही थी कि हम गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार इस बात के प्रयास करें कि लोगों को राहत कैसे दे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित एम्स का अस्पताल आता है, BHEL से संचालित कस्तूरबा का अस्पताल आता है और एक मजदूरों का अस्पताल ESI का बीमा अस्पताल आता है। मेरी कोशिश हुई थी उस समय कि हमारे क्षेत्र में भी कोविड केयर सेंटर खुले और तब हमने लगातार प्रयास करके बीमा अस्पताल को 100 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रारंभ किया था, जिसके माध्यम से लोगों को बड़ी सुविधा हुई थी। ऐसे समय में जब बिस्तर नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, ऐसे समय में हमने बीमा अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के रूप में प्रारंभ किया था। वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण हम उतने पेशेंट नहीं रुका पा रहे थे और ऐसे समय में हमने अपने स्तर से दानदाताओं से आह्वान करके अपील करके वहाँ पर 5 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए थे। कस्तूरबा अस्पताल में लगातार हमारी कोशिश हुई, मैं लगातार संपर्क में थी वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के CMO से। जो भी कमी वहाँ पर होती थी, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो चाहे इंजेक्शन की कमी हो, लगातार उपलब्ध कराने का काम करती थी। एम्स के अस्पताल में जब हमने पूछा, व्यवस्थाओं की कुछ कमी वहाँ थी, उनको आवश्यकताएं थी, तो हमने तत्काल विधायक निधि से 20 लाख रुपए की राशि वहाँ उपलब्ध कराई, जिससे वहाँ पर मॉनिटर खरीदे गए। तो लगातार हमारी कोशिश यही रही कि उस संकट के काल में हम लोगों के साथ रहें, हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते रहें, ताकि उस आपदा की घड़ी में भी हम लोगों का संबल बन सके। उसके साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के भाव से जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, चाहे वो भोजन वितरित करने की बात हो, चाहे वो राशन किट वितरित करने की बात हो, लगातार हर वार्ड में हमारी समितियां बनी, हमारे कार्यकर्ताओं की समितियां बनी और कार्यकर्ताओं की समितियों के माध्यम से हमने ये तय किया कि जिस परिवार में कोई संक्रमित है वहाँ पर जाकर उनको भोजन की राशन की व्यवस्था हम करें, और यदि कोई परिवार का कोई सदस्य दुनिया से चला गया है तो उनकी भी हम सूची बनाना प्रारंभ करें कि भविष्य में जब भी कभी कोई ऐसी योजना आएगी तो हम इन लोगों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। आज मुझे वास्तव में आप सबके सामने कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। सरकारी कर्मचारियों के परिवार से यदि सरकारी कर्मचारी यदि कोई इस कोरोना काल में यदि काम करते करते वो इस का शिकार हुआ है, इस बीमारी का शिकार हुआ है, तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति होगी, 5 लाख रुपये उस परिवार को सहायता दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो परिवार जिनके असहारे चले गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उन परिवारों को भी 5,000 रुपये पेंशन के रूप में सरकार देने का काम करेगी। एक और बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, जिसकी अभी नियम प्रक्रिया बनना बाकी है, और उसमें लिया है कि जिन परिवारों में ने अपने सदस्यों को खोया है उनको 1 लाख रुपये अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाएंगे, और उसकी नियम प्रक्रिया बन रही है। पर मेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन उनसे रहेगा कि जितने परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है उन सबको 1 लाख रुपये दिए जाए, कोई नियम प्रक्रिया में इसको बांधा ना जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है जिसके परिवार का कोई व्यक्ति गया है उसको संबल देना, और यह निश्चित रूप से आर्थिक रूप से दी गई यह मदद उस परिवार के लिए संबल बनेगी।
उसके साथ ही साथ सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं और की है। 3 महीने का राशन का राशन एडवांस में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। किल कोरोना अभियान के माध्यम से लोगों का ट्रीटमेंट करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाकर कोरोना के इलाज को उसमें शामिल करने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस कठिन समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत कैसे दे सकें, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से सरकार की इस योजना में सहयोग करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे हर वार्ड में आपदा प्रबंधन समिति, वार्ड स्तर की आपदा प्रबंधन समिति बन रही है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता भी शामिल हैं, एनजीओ के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, हमारे नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं, और कोशिश यही हो रही है कि इस आपदा प्रबंधन समिति के माध्यम से उस वार्ड की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से दुरुस्त रहे, और यदि कोई वार्ड में किसी परिवार में कोई संक्रमित है तो तत्काल उसका उपचार हो जाए। अगर वो कम संक्रमित है तो उसको आइसोलेट करके उपचार करें, और यदि ज़्यादा संक्रमित है तो उसे अस्पताल पहुँचाएं ताकि संक्रमण फैले ना। इस प्रकार से इस माइक्रो लेवल पर जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है, निश्चित रूप से इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से कोरोना अब गाँव की ओर बढ़ रहा है, कोरोना का संक्रमण गाँव की ओर जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं हम रोकें। शहरों में लगातार काम हो रहा है, गाँव में भी। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।